खमरिया थाना क्षेत्र के रिठौरी वर्धा घाट में रहने वाले लोग इन दिनों डर के साए में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके डर का कारण है फायरिंग रेंज में होने वाली टेस्ट फायरिंग। दरअसल फायरिंग रेंज के बाहर बसे ग्रामीणों के घर आए दिन टेस्ट फायरिंग पहुंच जाती है। ऐसा ही एक मामला कैलाश धाम के पीछे बसे वर्धा घाट निवासी दिलीप बेन के घर से सामने आया है, जहाँ टेस्ट फायरिंग उनके घर पहुंच गई और इसमें दिलीप बेन घायल हो गए। परिजनों की माने तो इस तरह की टेस्ट फायरिंग बस एक लापरवाही है, जिसका परिणाम वहां बसे ग्रामीणों को चुकाना पड़ रहा है। बताया गया है कि दिलीप बेन ठेकेदारी का काम करते हैं और आज सुबह भी वह अपने घर से काम के लिए जा रहे थे। वैसे ही दो टेस्ट फायरिंग उनके घर पहुंच गई, एक जो उन्हें छूते हुए निकल गई तो वहीं दूसरी गोली ने उन्हें जख्मी कर दिया, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गौरतलब है कि इस तरह की टेस्ट फायरिंग लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी में की जाती है, लेकिन इस तरह से टेस्ट फायरिंग कर लोगों को घायल करना एक तरह की लापरवाही है, जिसकी वजह से आए दिन कई लोग इसका शिकार बन रहे हैं। ये कैलाश धाम के पीछे फायरिंग हो रही थी तो वहाँ से गोली उड़ के सीधे हमारे घर पे आई। दो गोली आई, एक गोली आई तो कान से छू के चली गई और एक गोली आई तो जर्सी फाड़ के लग गई उनको। अंदर बहुत ज्यादा घाव बन गया। बोल रहे हैं कि चार टांके लगेंगे। कुछ भी नहीं सर, वो काम पे जा रहे थे। अच्छा भला मैंने टिफिन लगाया, टिफिन लगा के बैग ही टांग के गाड़ी चालू कर ही रहे थे, इतने में गोली आई, एक कान से छू के गई और एक आई तो जर्सी फाड़ के लग गई उनको। हाँ वहाँ पे लापरवाही है सर। मेरे दामाद काम पे जा रहे थे सुबह 8:30 बजे, वो टिफिन उठा रहे थे, उनके हाथ से छू के गोली अंदर लग गई और एक कान के पास से गया और इसके बाद हम लोग मेडिकल लेके आए हैं। ऐसी घटना कई चक्कर हो चुकी है वहाँ। बच्चे बच्चे छोटी छोटी बच्चे हैं आंगन में खेलते हैं और आंगनी में कई बार ऐसा कांड हो चुके हैं। वहाँ फायरिंग चलती है, पुलिस वाले लोग चलाते हैं। आर्मी है या पुलिस हो ये तो नहीं मालूम, मगर वहाँ हर साल ऐसी घटना होती है। बर्धा घाट में हर साल गोली आती है। खमरिया थाना, ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।